वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड IT स्टडी पॉइंट। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने गेज से कुछ इंपॉर्टेंट बात किए हुए थे, जिसमें हमने गेज के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि गेज क्या होता है, गेज के इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन के बारे में बताया था, उसका यूज बताया था और उसके कुछ एडवांटेज के बारे में हमने बात किया था कि गेज के यूज से क्या क्या लाभ होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, यानी इसके क्लासिफिकेशन की बात भी हमने किए हुए थे, जिसमें हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी के अनुसार जो है गेज मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है वर्कशॉप गेज होता है, उसके बाद इंस्पेक्शन गेज होता है और जो है तीसरा जो होता है वह मास्टर गेज होता है। और तीनों की एक्यूरेसी के बारे में हमने बताया हुआ था, तो क्लासिफिकेशन में हमने बताया था, ये सब जो है हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो वर्कशॉप गेज की एक्यूरेसी की हम बात करें तो इसमें पहला एक्यूरेसी जो था 0.0005 इंच था। उसके बाद दूसरा जो था इंस्पेक्शन गेज में 0.0003 इंच, और तीसरा जो था वो था वर्कशॉप गेज इंस्पेक्शन गेज, और तीसरा जो था वह था मास्टर गेज की हम बात करें तो इसका था 0.001 इंच। इन तीनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। वर्कशॉप गेज का यूज जो है ज्यादातर कारीगर करते हैं, ये यानी टेक्नीशियन जो है वह करते हैं वर्कशॉप गेज का यूज, और यह वर्कशॉप में प्रयोग प्रायः किए जाने वाला है। दूसरा जो है इंस्पेक्शन गेज होता है, यह वर्कशॉप गेज में थोड़ा बहुत कैलिब्रेशन आ जाता है, बार बार यूज करने से ये घिस जाते हैं, तो इनको ठीक करने के लिए इंस्पेक्शन गेज यूज करते हैं। और मास्टर गेज के द्वारा जो है, मास्टर गेज का यूज हमने बताया था कि टूल रूम में ज्यादा किया जाता है, और मास्टर गेज होता है वह इंस्पेक्शन गेज और वर्कशॉप गेज इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक करने के लिए मास्टर गेज यूज किया जाता है। कैलिब्रेशन हो जाता है, जो बार बार गेज यूज करेंगे तो कुछ ऐसे चीज होते हैं, कुछ में माइनर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है प्लस माइनस में, तो उनकी एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए मास्टर गेज चेक करते हैं। तो ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। आज बात करेंगे हम अकॉर्डिंग टू लिमिट, यानी अकॉर्डिंग टू शेप, शेप और लिमिट के अनुसार जो है गेज कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ गेज की हम बात करेंगे आज के सेशन में, टाइप्स ऑफ गेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ गेज में हम बात करेंगे सबसे पहले क्या होता है अकॉर्डिंग टू लिमिट, यानी लिमिट के अनुसार और स्ट्रक्चर यानी बनावट के अनुसार गेज कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू लिमिट यानी जो होता है इसमें लिमिट गेज होता है। लिमिट गेज में क्या होता है कि यह गेज प्राय उन सब चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां पर कोई एक लिमिट होता है, यानी जो जॉब की बेसिक साइज जो होती है, एक्चुअल जो साइज होते हैं उनके, उसमें कुछ टॉलरेंस दिया जाता है और उस टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए उनके लिमिट यानी उसमें कुछ छूट दिया जाता है, तो उसके लिए जो है लिमिट गेज प्रयोग किया जाता है। लिमिट गेज में जो होता है यह गो और नॉट गो सीधा होता है, और इसके द्वारा जो है लिमिट गेज के द्वारा हम किसी भी गोल जॉब के अंदर का मेजरमेंट चेक करते हैं, बाहर का मेजरमेंट चेक करते हैं, टेपर चेक करते हैं, थ्रेड चेक करते हैं, थ्रेड के अंदर एक्सटर्नल थ्रेड या इंटरनल थ्रेड जो होता है, तो ये सब जो है गेज में ही आते हैं, लिमिट गेज के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है प्लग गेज। ठीक है, इसमें आता है सबसे पहले प्लग गेज की बात आती है। तो प्लग गेज क्या होता है कि यह जो है इस प्रकार का गेज होता है जिसके द्वारा किसी भी गोल जॉब के अंदर का माप, यानी किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब यानी सिलेंडर या गोल जॉब या बेलनाकार जॉब के अंदर का जो साइज मेजरमेंट करना होता है, तो उसके लिए हम प्लग गेज यूज करते हैं। और प्लग गेज में क्या होता है कि ये जो है प्लग गेज, इसमें बहुत सारे प्लग गेज में बहुत सारे आते हैं। पहला जो है इसमें टाइप्स की हम बात करें तो देखिए गेज के टाइप्स की हम बात करें तो गेज के टाइप्स में आता है प्लग गेज, उसके बाद आता है रिंग गेज, प्लग गेज उसके बाद आता है रिंग गेज, फिर आगे स्नैप गेज, उसके बाद फिलर गेज, प्रोफाइल गेज, रेडियस गेज, स्क्रू पीस गेज, वायर गेज, ये सब जो है इस गेज के टाइप्स में आते हैं। हम बात करें सबसे पहले प्लग गेज की। तो प्लग गेज क्या होता है कि प्लग गेज जो होता है वह, जैसे अभी हमने बताया कि ये प्लग गेज है, उसके बाद रिंग गेज होता है, तो प्लग गेज जो होता है वह जॉब के अंदर के मेजरमेंट के लिए होता है, यानी जॉब जो होता है कोई भी बेलनाकार या सिलेंड्रिकल जो है मेटेरियल होता है, पार्ट्स होता है, जॉब होता है, पाइप होता है, तो उसके अंदर के जो अंदर जो चेक करना होता है उसके लिए प्लग गेज यूज करते हैं। सेम ऐसे ही रिंग गेज होता है, रिंग गेज के द्वारा क्या करते हैं कि किसी भी जॉब के बाहर का यानी जो है गोल जॉब है उसके बाहर का मेजरमेंट चेक करना होता है, उसके बाहर के साइज को चेक करना है, तो उसके लिए रिंग गेज प्रयोग करते हैं। और आगे चलते हैं तो इसमें जो होता है स्नैप गेज होता है, स्नैप गेज अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है,
जिसका प्रयोग किसी भी जॉब को चेक करने के लिए करते हैं। स्नैप गेज भी, उसमें भी टाइप्स होते हैं, प्लग गेज में भी टाइप्स होते हैं, रिंग गेज के भी टाइप्स होते हैं। ऐसे ही आगे चलते हैं तो वायर गेज होता है, उसके बाद रेडियस गेज होता है, फिलर गेज होता है, प्रोफाइल गेज होता है, स्क्रू पीस गेज होता है, जो कि थ्रेड के लिए यानी चेक करते हैं, थ्रेड को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्लग गेज की। प्लग गेज क्या होता है कि इस प्रकार का जो गेज होता है, इसमें प्राय जॉब के अंदर के साइज को चेक किया जाता है, जिसमें कुछ टाइप्स होते हैं। तो इसके टाइप्स की हम बात करें तो जो प्लग गेज में एक जो होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज का आपने नाम सुना हुआ होगा। प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या होता है कि ऐसे प्लग गेज जिसमें गो और नॉट गो सिरा दोनों एक ही साइड में होते हैं, यानी एक ही साइड में दोनों सिरा होता है, गो और नॉट गो। मैं बता दूं कि इसमें एक सिरा जो होता है गो सिरा होता है, दूसरा सिरा जो होता है नॉट गो सिरा होता है। गो सिरे से किसी जॉब की एक्यूरेसी यानी टॉलरेंस में वो बनाया जाता है, जो कि लोअर लिमिट टॉलरेंस से वो होता है, और नॉट गो सिरा होता है वो हाई लिमिट यानी अपर लिमिट के अनुसार वह बनाया जाता है। तो प्लग गेज के टाइप्स की बात करें तो प्लग गेज में सबसे पहले जो होता है वह होता है कि प्लेन जो होता है, प्लेन प्लग गेज होता है, उसके बाद प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है, उसके बाद जो होता है टेपर प्लग गेज होता है, और थ्रेड प्लग गेज होता है। इसमें पहला जो है प्लेन प्लग गेज, उसके बाद प्रोग्रेसिव प्लग गेज, उसके बाद टेपर प्लग गेज, और आगे जो चलते हैं तो थ्रेड प्लग गेज होता है। सेम ऐसे ही रिंग गेज में भी होता है। प्लग गेज अंदर के साइज को मेजर करता है, जबकि रिंग गेज बाहर के साइज को, और वह रिंग की तरह होता है यानी गोल होता है। ये जो होता है यह इस तरीके का होता है कि यहाँ पे जो है नली किया हुआ भाग होता है, और ये जो होता है इसका एक गो सिरा होता है, और ये जो है नॉट गो सिरा होता है। इसमें जो है यह प्लेन की बात करें तो ये प्लेन होता है, गो सिरा जो होता है यह छोटा होता है, जबकि नॉट गो सिरा जो है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ये पहचान के लिए, और बीच के भाग पे नर्लिंग किया हुआ होता है ताकि पकड़ने में अच्छा रहता है। तो ये हो गया प्लेन। उसके बाद प्लेन के बाद प्रोग्रेसिव की बात करें तो प्रोग्रेसिव में क्या होता है, गो और नॉट गो सिरा एक ही साइड में होता है, यानी ये जो सिरा कुछ होता है ये गो सिरा होता है, और ये जो होता है ये नॉट गो सिरा होता है, और ये नहीं रहता है और ये पूरा रहता है, तो ये होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ऐसे ही बात करें टेपर प्लग गेज की, तो इसमें थोड़ा सा ये टेपर होता है, ये इस तरीके का होता है, यानी ये टेपर होता है, ये नहीं रहता है, और ऐसे ही इसमें ये थोड़ा सा अंदर की तरफ यानी ये टेपर रहता है, तो टेपर प्लग गेज होता है। और थ्रेड प्लग गेज की बात करें तो इसके ऊपर थ्रेड बना हुआ होता है, तो ये हो गया थ्रेड प्लग गेज। रिंग गेज की बात करें तो रिंग गेज भी ऐसे ही होता है, इसमें ये नर्लिंग किया होता है, और ये इसके अंदर जॉब को रख के बाहर का साइज मेजर करते हैं, जबकि इसके अंदर जो है जॉब के अंदर का साइज यानी जो भी मेटेरियल होता है, जो भी जॉब होता है, इसको अंदर से डाला जाता है। तो ये जो है प्लग गेज में क्या होता है, अंदर को चेक करते हैं, जबकि रिंग गेज में बाहर के साइज को चेक करते हैं। और रिंग गेज भी ऐसे ही इसी तरीके का होता है, इसमें जो होता है प्लेन रिंग गेज होता है, टेपर रिंग गेज होता है, और थ्रेडेड रिंग गेज होता है। उसके बाद स्नैप गेज की हम बात करें तो स्नैप गेज अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है, अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का ये होता है स्नैप गेज भी। और इसमें भी जो होता है एक जो होता है प्लेन होता है, प्लेन यानी सिंगल ऐसे टाइप का होता है, और एक जो होता है दोनों तरफ भी होता है, और दूसरा ये भी होता है स्नैप गेज। एक जो होता है सिंगल एज की तरह होता है, और एक जो होता है डबल यानी दोनों तरफ सी आकार का होता है। इसमें भी एक एडजस्टेबल स्नैप गेज होता है, जिसमें क्या होता है गो और नॉट गो सिरा के लिए यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए एडजस्टिंग स्क्रू का यूज किया जाता है। तो ये सब जो हो गए प्लग गेज, रिंग गेज, स्नैप गेज, ऐसे बहुत सारे गेज होते हैं। उसके बाद बात करते हैं वायर गेज की। तो वायर गेज से क्या होता है, किसी भी वायर की थिकनेस यानी वायर की मोटाई या सीट मेटल में वायर गेज का यूज किया जाता है, जैसे चादर की मोटाई को देखना होता है तो वायर गेज प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर वायर गेज जो होता है ऐसा ही होता है, और इसके जैसे ये है ना गोल, ऐसे ही रहता है वायर गेज, और इसमें क्या होता है कि इस तरीके का कट लगा हुआ होता है, और इस पे इसका साइज मेजर किया हुआ होता है, ठीक है। इससे किसी भी सीट की मोटाई यानी ये जो है ये वायर गेज इस तरीके का आकार का होता है, जिससे किसी भी सीट की या वायर की मोटाई को हम चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है फिलर गेज होता है। फिलर गेज क्या होता है कि फिलर गेज का यूज दो पार्टों को, जहां पे दो पार्ट जुड़ते हैं और उनके बीच में जो गैप होता है उस गैप को चेक करने के लिए हम फिलर गेज यूज करते हैं, यानी दो पार्ट जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज यूज करते हैं। फिलर गेज जो है बिल्कुल नाइफ की तरह होता है, यानी यह एक सेट में मिलता है, और जैसे ये हो गए, और इसमें जो है इस तरीके का यहाँ पे इस तरीके से पत्तियां लगी हुई होती है, इस क्रम में बहुत सारी पत्तियां ऐसे बनी हुई होती है, और इस पे जो है इसका साइज लिखा होता है, सारा सब फोल्ड होके ये इसके अंदर आके बैठ जाते हैं, सारा इसमें फोल्ड होके इसके अंदर बैठ जाते हैं, और यहां से इसको ऐसे करके इस तरीके का बना हुआ होता है, यहां से इसको पकड़ के खोला जाता है, यानी बिल्कुल नाइफ की तरह होता है। हर
जो होता है सब पे साइज लिखा हुआ होता है। और इसी तरह का एक रेडियस गेज होता है, रेडियस गेज भी इसी तरीके का होता है, फीलर गेज की तरह होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ जो है ये पत्ती बनी हुई होती है, इसमें क्या होता है कुछ अवतल और कुछ उत्तल, यानी कुछ अंदर की तरफ और कुछ बाहर की तरफ उठा हुआ होता है, जिससे अवतल और उत्तल सतह को ये चेक करते हैं। रेडियस गेज हो गया, वैसे ही प्रोफाइल गेज भी होता है सेम वैसे ही। उसके बाद स्क्रू पीच गेज होता है, तो स्क्रू पीच गेज में क्या होता है, स्क्रू पीच गेज भी इसी तरीके का होता है, जबकि उसमें दोनों तरफ होता है और उसमें मीट्रिक और ब्रिटिश यानी दोनों में थ्रेड बने हुए होते हैं, और उसके द्वारा किसी भी थ्रेड, जैसे मान लीजिए कि ये थ्रेड है, कोई भी जॉब है उसके ऊपर ये थ्रेड कटा हुआ है, तो इसको चेक करने के लिए हम स्क्रू पीस गेज यूज करते हैं, और सेम ऐसे आके ये बैठ जाता है। स्क्रू पीस गेज भी इसी तरीके का होता है जिसमें थ्रेड कटे हुए होते हैं। इस वीडियो में हम आपको पिक्चर करके दिखा देंगे, जो भी गेज होते हैं, जो भी गेज हम बना रहे हैं और जो नहीं बन पा रहे हैं उसका हम पिक्चर इस वीडियो में लगा देंगे। तो वो हो गया स्क्रू पीस गेज। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं तो स्लिप गेज होता है। स्लिप गेज की हम बात करें तो स्लिप गेज के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे। स्लिप गेज को जो जॉनसन गेज भी कहते हैं, और स्लिप गेज होता है बॉक्स के रूप में मिलता है और बहुत सारे सेट में मिलता है। स्लिप गेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गेज होता है, इसको हम अच्छे से अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो एक टेलीस्कोपिक गेज होता है। टेलीस्कोपिक गेज क्या होता है कि किसी भी जॉब के अंदर यानी उसके ग्रूव की स्लॉट की या ग्रूव की अंदर का मेजरमेंट करना होता है तो टेलीस्कोपिक गेज यूज करते हैं। यह नाम के अनुसार होता है, यानी अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार का होता है, और जो है यह किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि यह 5 सेट में होता है और किसी बुक में 6 सेट होते हैं। तो टेलीस्कोपिक गेज जो हमने अभी तक यूज किया वो 6 सेट में होता है, और इसका जो है कम से कम 7 mm से लेकर के 152.something कुछ होता है, 152.2 या 152.4 mm तक की अंदर के माप को यह मेजर करता है, और यह अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार का होता है। जो मैं टेलीस्कोपिक गेज की बात कर रहा हूं तो देखिए ये इस तरीके का होता है, और यहाँ पे है नर्लिंग किया हुआ होता है जिससे पकड़ा जाता है, और इसमें जो है अंदर की तरफ स्प्रिंग यानी स्क्रॉल लगे हुए होते हैं, और ये जो पार्ट है ये जो है खुल के आगे बढ़ते हैं दोनों साइड में, ठीक है। और यहाँ पे है इसका एक हैंडल लगा हुआ होता है। टेलीस्कोपिक गेज की हम बात करते हैं, जब हम इसको घुमाते हैं, जब इसको हम घुमाएंगे तो ये जो है खुलता है और ये जो है आगे पीछे रोटेट करता है। इसी के अंदर जॉब को हम रखते हैं तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और यह जो है 5 या 6 सेट में होता है, और कम से कम जो है 6 सेट वाला जो होता है उसमें 7 mm से स्टार्ट होता है, और जो 5 सेट वाला होता है वह 12.2 mm से स्टार्ट होता है, और वह लास्टली 152.4 mm तक होता है। टेलीस्कोपिक गेज अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार का होता है, और किसी भी स्लॉट के अंदर का मेजरमेंट सुराख के अंदर को चेक करता है टेलीस्कोपिक गेज। उसके बाद है डायल गेज होता है, फिर बोर गेज होता है। डायल गेज और बोर गेज जो होता है ये इन सब गेजों का यूज डायल के अंदर यानी डायल गेज में बहुत सारे जो हमने जिस तरीके से बताया था गेज में, जैसे डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है ना, और डायल टेस्ट इंडिकेटर उसी के टाइप में आता है डायल, बोर गेज या डायल गेज। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में हमने अच्छे से बताया हुआ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो डायल गेज के बारे में और टेलीस्कोपिक गेज इन सब चीजों के बारे में हमने अच्छे से वीडियो बनाए हुए हैं, बताया हुए हैं। फिर उसके बाद ड्रिल गेज होता है। ड्रिल गेज से क्या होता है, किसी भी जो ड्रिल गेज की हम बात करें तो ड्रिल के साइज को चेक किया जाता है। यह बिल्कुल ऐसे प्लेट की तरह होता है और इसमें इस तरीके का सुराख बने हुए होते हैं बहुत सारे, और इस पे जो है मेजरमेंट लिखा हुआ होता है। इसके अंदर ड्रिल को डाल करके और चेक करते हैं कि वह किस साइज का है, तो वो उसका वो ड्रिल बीट के साइज को चेक करता है ड्रिल गेज। उसके बाद सेंटर गेज होता है, जो कि सेंटर गेज के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी ड्रिल बीट के सेंटर को हम चेक करते हैं। ये इस तरीके का भी होता है, और यहाँ पे ये एंगल बना हुआ होता है जिसके द्वारा हम किसी भी ड्रिल बीट के एंगल को यानी कटिंग टूल के एंगल को हम चेक करते हैं। तो ये सेंटर गेज होता है, यह ड्रिल गेज होता है ये, और ये सेंटर गेज होता है। इस तरीके के गेज होते हैं, बहुत सारे गेज होते हैं। उसके बाद एक कैलिपर गेज होता है। कैलिपर गेज के द्वारा जो होता है किसी भी जो कैलिपर गेज जो होता है वह हमने स्नैप गेज जो बताया था स्नैप गेज की तरह ही होता है कैलिपर गेज, लेकिन इसमें क्या होता है कैलिपर गेज में कि एक साइड में स्नैप गेज की तरह बना हुआ होता है सी की तरह, और इसके पीछे वाले साइड में जो हैंडल है उसके कुछ हिस्से को प्लेन इस तरीके से बनाया जाता है ताकि इससे किसी भी जॉब के अंदर के माप को हम चेक कर सकते हैं। तो ये जो है यह कैलिपर गेज होता है, यह इस साइड में स्नैप गेज की तरह होता है जबकि पीछे वाले साइड में बिल्कुल फ्लैट होता है। तो ये इस तरीके का बना होता है कैलिपर गेज।
तो ये जो है टाइप्स ऑफ गेज के हम जो बात बता रहे थे अभी कि कौन कौन से गेज होते हैं और इनका क्या यूज होता है, तो जिस आकार के होते हैं उस तरीके के जॉब को चेक करते हैं। प्रायः मास प्रोडक्शन के लिए गेज प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने बताया आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।